आज तो हम बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम जो है वो किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो के गिवन होता है यू नो टू वेरिएबल लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई जो की एक लीनियर टू डिग्री अब एन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है ठीक है अब दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस इज कॉल्ड

और अगर हमें अगर हमें ये इस फंक्शन को मैक्सिमम बनाना है ये इस फंक्शन को मिनिमम बनाना है तो जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम यानी वो मेथड जिसके थ्रू आप इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करोगे या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करोगे दिस दिस इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग इसको हम क्या बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग ठीक है अब ऑब्वियसली फंक्शन आपका लार्जेस्ट हो सकता है फंक्शन आपका स्मॉलेस्ट हो सकता है

ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर दिस इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ठीक है इसके ऊपर लिमिटेशन ये है कि 3x minus y इज ग्रेटर और इक्वल टू -1 एंड देन x y इज लेसर और इक्वल टू 5 इज लेसर और इक्वल टू 5 अब दीस आर द कंस्ट्रेंट्स यानी ये इस गिवन फंक्शन के ऊपर ये लिमिटेशंस हैं ये कंस्ट्रेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे शो किए हैं अब वट विल बी द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन यानी इस फंक्शन को आप मैक्सिमम या मिनिमम कैसे बनाएंगे अब ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं मैं इस इसके ग्राफ को से रफली बात कर लेता हूँ वेरी रफली ठीक है मैं बहुत ही रफली बात करता हूँ लट से कि मेरे पास ये जो फंक्शन है ठीक है सॉरी दिस इज माई वाई एक्सिस है ये मेरे पास एक्स एक्सिस है तो ऑब्वियसली अगर मैं इसका फिजिबल सोलूशन फाइंड आउट करूँ फिजिबल रीजन चले फिजिबल रीजन या फिजिबल सोल्यूशन तो ऑब्वियसली फिजिबल रीजन या फ़िज़िबल सोल्यूशन क्या हो सकता है फिजिबल सोलूशन ऑलवेज लाइज लाइज़ इन द फर्स्ट को फर्स्ट

ऑल द बिलो वैल्यू यानी तमाम जो आपके राइट right साइड पे कह लें या बिलो जो आपके तमाम पॉइंट्स uh, हैं उनके लिए ये जो है वो होल्ड करता है तो ग्राफिकली इस लीनियर इन का जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हमेशा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं विच इज शोन बाई दीज लाइन्स ठीक है अगर आप दूसरी लाइन को ड्रॉ करते हैं विच इज एक्स प्लस वाइज इज लेसर इक्वल टू फाइव तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आई कैन ड्रॉ एट दिस इन इन दिस वे ठीक है फॉर एग्जाम्पल इन दिस वे ठीक है दिस इज द लाइन अब ऑब्वियसली इसका जो सोलूशन सेट है वो अगर लाई करता है लेट से अगर इसका सोल्यूशन सेट जो है वो लाई करता है दिस लाइज फॉर द बिलो वैल्यूज फॉर एग्जाम्पल इन वैल्यूज के लिए ठीक है चले लेट मी यूज डिफरेंट कलर मैं वाइट कलर यूज करता हूँ uh, ये होल्ड करता है फॉर दिज वैल्यूज ठीक है फॉर दीज वैल्यूज तो ऑब्वियसली जो जो ओवर लैब्ड एरिया है दिस ऑल ओवर लैब्ड एरिया इज अ सोलूशन सेट फॉर दिज टू इनवालिटीज लेकिन फिजिबल सोल्यूशन क्या होगा फिजिबल सोल्यूशन लाइक करता है यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे उसको तमाम को एक uh, uh,

अब मुझे मुझे इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है मुझे यूनियन ऑफ मेरी ऑर्डर पेयर्स है, है।, uh, है बहुत सारे ऑर्डर uh, पेयर्स को कंबाइन किया हुआ है तो ये आपके पास फिजिबल सोलूशन या फिजिबल रीजन बनता है जो कि पॉइंट्स लाइंग ऑन दीज लाइंस लेकिन जो वर्टिसेस हैं जनरली हम बात करते हैं जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है वो इन

मैक्सिमाइज या मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम होता है मिनिमम होता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंस है ठीक है अभी हम नेक्स्ट uh, वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं यहां से ही ठीक है ऑप्टिमल सोल्यूशन और देखते हैं अगर मैं इसी इसी इक्वेशन uh, को यानी इन इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं और मैं इनको प्रॉपरली ग्राफ करके इनका ऑप्टीमल सोल्यूशन निकालू हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्राम बेसिकली यही प्रोसेस जो लीनियर प्रोग्रामिंग कहलाता है तो मैं किस तरह से इसको सॉल्व कर सकता हूँ